एक बार एक ऊंट होता है और बहुत टाइम से उसके मन में ना एक सवाल घूम रहा होता है कि कितने साल हो गए, मैं बच्चा था तो मेरे मालिक ने मेरे को लिया, खरीदा और मुझसे बहुत काम कराया, हमेशा मुझे बांध करके रखा नकेल में, और ऐसा नहीं कि मुझे खाना नहीं देता था, लेकिन इतना टाइम हो गया, मैंने इसके लिए कितना कुछ किया, लेकिन इसने ज़रा सा भी समझा नहीं जो मेरा पेन है, इसने मुझे कभी खुला नहीं छोड़ा, इतना मैंने इसके लिए किया, लेकिन इसके मन में हमेशा डर था कि ये चला जाएगा छोड़ करके, तो बांध करके रखता था। तो एक रात सोचते सोचते उसको नींद नहीं आ रही थी, उसका मन इतना खराब हुआ, उसने रस्सी इस तरीके से खींची और वो बस भागता हुआ चला गया, जहाँ भी जिस गांव में वो रहता था, जिस घर में रहता था, बस वो वहाँ से दौड़ लगानी शुरू कर दी। उसको भी नहीं समझ में आया कि आज पाँव में इतनी जान कहाँ से आ गई। भागते 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 आसपास जंगल थे, अंधेरा था, शेर भी थे, सब चीज़ें थी, उसको कुछ नहीं दिखा, ना उसको डर लगा, इतनी हरियाली थी, भूख भी लग रही थी, लेकिन दिमाग इस कदर भागने पे था कि कोई भूख दर्द कुछ नहीं उसको समझ में आ रहा था। भागते 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 जब वो थकने लगा, बहुत घंटों भागा, तो एक ऐसी जगह पर जाकर के पहुंच गया जहां आसपास सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी था, कुछ भी नहीं था, ना कोई पेड़, ना कोई पत्ते, हरियाली, और इसको ज़बरदस्त उस टाइम पर लगी भूख। अब भाई साहब आ तो गए जोश जोश में वहाँ पर बैठे। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीत गए, अब इनकी हालत अधमरी सी हो रही है। उसने कोई परवाह नहीं करी जो रास्ते में वो सब कुछ छोड़ करके आ गया, वहाँ बैठा आराम से, और अब उसको थोड़ा 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 रिग्रेट भी होने लगा है कि यार गलत तो नहीं कर दिया, मैं तो ऐसा लग रहा है मैं कहीं यहाँ मर ना जाऊँ। तो इतने में क्या होता है, एक कौवा उड़ता है, उसके पास आता है। कौवे को हमेशा उसने मतलब उसके मन में आता है, उसको देख करके इतना तरस आता है कि यार मैंने हमेशा अपने लिए लाइफ जी है, आज मेरे को मौका मिला है, पहली बार मेरे को मौका मिला किसी की मदद करने का, तो मैं मौका नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल भी। तो वो दौड़ लगाते हुए आता है उसके पास और बोलता है, भाई तू तो बिल्कुल अधमरा लग रहा है, ऐसा कर, पास में एक हरा भरा खेत है, ठीक, मैं तुझे वहाँ ले जाता हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ खा ले, तेरी जान बच जाएगी, बात समझ। तो एकदम से उठ तो कह रहा है ये तो नेकी और पूछ पूछ, चल फटाफट एकदम से खड़े होने लगता है, और उठ के मन में एक बात आती है, सवाल आता है, पूछता है, एक बात बता, वहाँ कोई इंसान तो नहीं है? वो कौवा भी हंसने लगता है, भाई पागल, जहाँ जा रहा है, जहाँ हरा भरा खेत होगा, वैसा कभी हो सकता है कि वहाँ इंसान ना हो? तो ऊँट वहीं रुक जाता है, खड़ा हो रहा होता है, खड़े होते 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 वापस बैठ जाता है, शरीर में जान नहीं होती उसके। कह रहा ऐसा कर, तू जा, मुझे यहीं रहने दे। कह रहा तू पागल हो गया कि यहाँ मर जाएगा? कहता भाई मैंने अपनी सारी लाइफ देख ली, मैं तो वहाँ भी मर जाऊँगा, वहाँ मुझे फिर इंसान पकड़ लेंगे, नकेल कस देंगे और मेरी बैंड बजा देंगे, मैं वहीं बंदा बंदा रहूँगा, वहाँ भी मरूँगा, अब मेरे को मंजूर है कि मैं यहीं मर जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसको अपनी लाइफ के साथ आप थोड़ा सा रिलेट करके देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हम भी अक्सर खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं, एटलीस्ट दिमाग से, जबकि एक्चुअली होते नहीं हैं। हमें लगता है कि बहुत कुछ पहाड़ टूट जाएगा अगर हम उस बंदिश को खोलेंगे, लेकिन जब तक उसकी इच्छा इतनी स्ट्रांग तरीके से अंदर से ना आए कि अब मौत भी आ जाए तो भी मुझे फ्री होना है, अब किसी कंडीशन पर मैं नहीं चलूँगा, नो कंडीशन, अब कंडीशन मेरी बनेगी, मेरे हिसाब से चीज़ें चलेंगी, जब तक वो इंटेंसिटी ना आ जाए तब तक वो आज़ादी बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अब इसमें आदमी चाहे किसी भी चीज़ से रिलेट कर ले, चाहे अपने जॉब से रिलेट कर ले, चाहे मेंटली रिलेट कर ले, चाहे किसी के साथ एक रिलेशनशिप से रिलेट कर ले, हर आदमी, कहानी की यही खास बात है कि हर आदमी उस चीज़ को अपने
लेवल पर जा करके अपने एक्सपीरियंस के से अपने एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ करके उसको रिलेट करता है, यही इसकी खूबसूरती है। इसलिए जो भी कहानी होती है वो उसकी अपनी होती है, ये कोई जनरलाइज्ड कभी हो ही नहीं सकती। तो इसको एक बार सोच करके देखना।